Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have discussed exercise 2.5, question number 1, 2 and 3. So now we are going to do another two questions, question number 4 and question number 5. So let us see. This is question number 4. Expand using suitable identities. Ye aapke paas question hai, x plus 2y plus 4z ka whole square. हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. कैसे लगाएंगे? जैसे इस क्वेश्चन पे हमें ऑपरेट करनी है तो a की वैल्यू आपको सामने दिखाई दे रही है कि x को हमें क्या, a को हमें क्या रिप्लेस करना है, x, और b को हमें क्या रिप्लेस करना है, 2y, और c को हमें क्या रिप्लेस करना है, 4z. तो हम रफ यहां पर लिख लेंगे साइड में कि हमसे कोई गलती ना हो. तो a को हमने लेना है x, b को हमने लेना है 2y, c को हमने क्या लेना है, 4z. बस इस आंसर में हमें इन वैल्यूज को रिप्लेस करना है. तो हम 1 बाय 1 करते हैं. a को हमने ले लिया x, b हमारे पास है 2y, c हमारे पास है 4z. तो ये हो गया, this is 2ab. a हमारे पास है x और b है 2y. उसके बाद है 2bc. तो b है आपके पास 2y, c है 4z. उसके बाद है 2ca. c आपके पास है 4z और a आपके पास है x. तो देखिए क्या हुआ, x square 2y का square. 2 का square कितना होगा, 4, और y का square y square. 4 का square कितना होगा, 16, एंड z स्क्वायर. यहां पर इनको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, x, y, और यहां पर 2 2 4, 4 4 16, y, z. उसके बाद यहां 4 2 8, this is 8 z x. so this is the answer. बस आपको ये आइडेंटिटी लगानी है, वैल्यूज रिप्लेस करनी है और आपका आंसर आ जाएगा. Now this is question number 4, third part. माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर. इसे भी आपने आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है, जैसे आपने पिछला पार्ट किया था. आइडेंटिटी भी वही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. देखिए यहां पर भी हम कंपेयर कर लेंगे कि a को हमने रिप्लेस करना है माइनस 2x, b को हमने रिप्लेस करना है 3y, c को हमने रिप्लेस करना है 2z. और इन वैल्यूज को हम यहां लगा देते हैं. This is minus 2x, b है आपके पास 3y, और c आपके पास है 2z. अब उसके बाद है 2ab. a आपके पास है minus 2x, b है आपके पास 3y, and 2bc. b आपके पास है 3y, और c आपके पास है 2z. उसके बाद है 2ca. c आपके पास है 2z, और a आपके पास है minus 2x. बस आपको a, b, c की वैल्यू ध्यान से यहां पर निकाल कर उसको रिप्लेस करना है. तो अब देखिए, माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4, दिस इज प्लस 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9y स्क्वायर, दिस इज 4z स्क्वायर, माइनस 2 2 4, 4 3 12, माइनस 12xy, प्लस 3 2 6, 2 12, 12yz, माइनस 2 2 4, 4 2 8, माइनस 8zx. और ये आपका क्या आएगा, आंसर. तो सेम आइडेंटिटी से आपको इसको सॉल्व करना है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सिक्स्थ पार्ट. 1/4a माइनस हाफ b प्लस 1 होल स्क्वायर. इसे भी हम सेम आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे. a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये आपके पास है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है. तो बस हमें वही देखना है कि हम a को क्या रिप्लेस करेंगे. रफ में लिख लेंगे कि a को रिप्लेस करेंगे 1/4a, b को रिप्लेस करेंगे -1/2b, और c को रिप्लेस करेंगे हम 1. इसके अंदर अब हम रिप्लेस करते हैं, a की जगह 1/4a और b की जगह -1/2b और c की जगह है 1. तो हमने ये रिप्लेस की वैल्यू प्लस 2, this is a and this is b, again plus 2, this is b and this is c, plus 2 c and this is a. So
1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1/4 b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर देखिए 2 से 2 कैंसिल और यहां प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, a को b से करोगे ab by 4, 2 को 2 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस b, प्लस 2 2s आ 4, प्लस a by 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन कैसा भी हो सेम आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि a b और c को हमने क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस्ड वैल्यूज जो है वो आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। दिस कंप्लीट्स क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इसको फैक्टराइज करना है बेटा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये इस आइडेंटिटी वाली ही टर्म है, जैसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a, ये वाली साइड। अब की बार ये राइट साइड आपको गिवन है और कन्वर्ट वो किस में होगी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, उसका रिवर्स है जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो अब ध्यान से देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर। 9 किसका होता है, 3 का, तो ये हो गया 3y का स्क्वायर। 16 किसका होता है, 4 का, तो ये हो गया 4z का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों टर्म हमारी यहां पर बन चुकी हैं। a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 4z का स्क्वायर। तो यहां से एक आईडिया हो जाता है कि a की वैल्यू रिप्लेस हो रही है 2x, b की वैल्यू रिप्लेस हो रही है 3y और c की वैल्यू रिप्लेस हो रही है 4z। तो हम आगे इन टर्म्स को ना देखते हुए इस फॉर्मूले को बनाने की कोशिश करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, उसके बाद होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2a, a ये है, b ये है, तो 2ab, उसके बाद होता है 2bc, तो b आपका 3y है और c 4z है। This is 3y into 4z plus 2ca, c आपके पास है 4z और a आपके पास है 2x, ये हमने कर दिया। अब देखते हैं कि ये माइनस के साइन हम कैसे लगाएंगे। ध्यान से सुनना बेटा, इन लास्ट की तीनों टर्म्स को आपने ध्यान से देखना है। इनमें एक टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगी, या तो तीनों ही पॉजिटिव मिलेंगी। अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो बस ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब इसके अंदर एक टर्म पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। तो जो टर्म पॉजिटिव है उसको ध्यान से देखो, उसमें कौन से वेरिएबल हैं, x और y, मतलब x और y पॉजिटिव है, तो कौन सा वेरिएबल बच गया, z। तो जहां जहां z है वहां वहां हम माइनस का साइन लगाएंगे, जैसे यहां था तो यहां लगा दिया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका आंसर है a plus b plus c का होल स्क्वायर। तो a है 2x, b है 3y और c है -4z और इसका हो गया स्क्वायर। तो इसको दो बार लिख देंगे, 2x plus 3y minus 4z, 2x plus 3y minus 4z, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ लेट्स डू सेकंड पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट। देखिए ये है 2x का स्क्वायर। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का। अगर मैं यूं लिख दूं √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा 2 ही, तो इसका मतलब हम 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया √2x का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर। इसी तरह से 8 को हम यूं लिख सकते हैं √8 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन √8 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो 2 into 2 into 2, 8 के फैक्टर बने 2 into 2 into 2 का स्क्वायर। यहां एक पेयर बना तो पेयर में से 2 बाहर आया, तो कितना रह गया 2√2, मतलब कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे 2√2z का स्क्वायर। अब आपको एक बात पता लग गई कि a आपका ये है, इसको हम a ट्रीट करेंगे, इसको हम b ट्रीट करेंगे और इसको हम c ट्रीट करेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आगे क्या होता है, प्लस 2 a एंड b,
plus 2 B and C plus 2 C and A plus 2 C and A. तो ये हमने वैल्यूज लगा दी सारी A B C की. अब हम वही चेक करेंगे कि क्या तीनों टर्म प्लस की है. तो इन तीनों को ध्यान से देखते हैं कि नहीं, तीनों प्लस की तो नहीं है. तो इसमें प्लस वाली कौन सी है? प्लस वाली तो ये है, मतलब y और z किसके हैं? पॉजिटिव है. तो कौन सा वेरिएबल नेगेटिव हुआ? x. तो हम x जहां भी होगा वहां पर माइनस का साइन लगा देंगे. तो यहां हमने लगा दिया और इसी तरह से हमने यहां पे भी लगा दिया. तो आंसर क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर. तो इसको टू टाइम्स लिख देंगे, माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू रूट टू जेड, और इसी तरह से दोबारा लिख देंगे. ठीक है, सो सेम आइडेंटिटी से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. फाइन, सो आई हैव डिस्कस विद यू टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. सो दिस इज योर होमवर्क, डू एक्सरसाइज 2.5 question number 4 and 5 in your maths notebook. I'm sending a PDF also in which you can see the solutions of these questions also. So do your work properly. Take care and bye-bye.